हेलो गाइस, वेलकम टू एड सारथी। एड सारथी पे आप सभी का स्वागत है। सो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन यूपीएससी सीसैट। गाइस, ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और एड सारथी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। डू एनरोल फॉर दिस कोर्स, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ आप एड सारथी का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। चलो, और एक साथ ही साथ एक और इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है एड सारथी में, जो कि है लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन ट्रिक कोर्स। इस कोर्स में वरुण सर आपको गाइड करेंगे दैट हाउ यू कैन एग्जैक्टली बूस्ट अप योर स्कोर बाय 15 to 20 marks। डू एनरोल फॉर दीज कोर्सेज, क्योंकि ये कोर्स आपको हेल्प आउट करेंगे। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग PDF, एनीथिंग, यू कैन विजिट द एड सारथी वेबसाइट। और एड सारथी की एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है, उसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। चलो, अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज। अगर मैं एवरेज की बात करूं तो वो काफ़ी इजी चैप्टर है, उसमें कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली। सिर्फ एक फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप एवरेज की सब प्रॉब्लम्स कर सकते हो जो UPSC लेवल पे आएंगी। ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले उस फॉर्मूले को ही देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं एवरेज की, तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर। किस चीज का सम, कौन सा टोटल नंबर, क्या कह रहे हैं, सब बताएंगे। देखो, अगर मैं बोलूं कोई पांच नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, ये कोई पांच नंबर्स हैं, और अब मैं बोल रही हूँ इसका एवरेज निकालो। कितने नंबर्स हैं टोटल, 5 हैं। इनका एवरेज अगर आपको निकालना है तो सिंपल एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या दिया मैंने आपको, पहले इन सब की न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर लो। सबसे पहले ऐड कर लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाई टोटल नंबर। कितने नंबर्स हैं टोटल, 5। कितना आ गया एवरेज, 15 डिवाइड बाई 5, यानी कि एवरेज हो गया आपका 3। कैसे निकालना, सिंपली जो भी आपको नंबर्स दिए हुए थे उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड कर लिया और उसको न्यूमरेटर में रख दिया, और डिनोमिनेटर में क्या रख दिया, टोटल जितने भी नंबर्स थे वो। सिर्फ इससे आप नंबर्स का ही एवरेज नहीं निकाल सकते, किसी भी चीज का एवरेज निकाल सकते हो। वेट का निकाल लो, हाइट का निकाल लो, सैलरी का निकाल लो, एज का निकाल लो, जिस चीज का एवरेज चाहो आप उस चीज का एवरेज निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है। ठीक, चलो अब ये कंसेप्ट आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलर फैशन में एक चीज और बताते हैं। मान लो अगर मैं कहती हूँ एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा, n natural numbers का average क्या होगा? आपको पता है average का basic formula क्या है? Sum upon total number। यहाँ sum क्या है? Sum of n natural number। ये बताओ sum of n natural number क्या होता है? Formula पता है आपको, होता है n plus 1 by 2। टोटल नंबर क्या है, क्या बोल रही हूँ मैं, एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालो, यानी कि टोटल नंबर क्या आएगा, एन। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, क्या आएगा, एन, एन प्लस वन बाय टू डिवाइड बाय एन। एन से एन हो गया कैंसिल, आ गया एन प्लस वन बाय टू। इस तरीके की फॉर्मूले आपको बुक्स में मिलते होंगे। तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये सारे फॉर्मूले नहीं भी याद है ना, तो भी अगर ये बेसिक फॉर्मूला भी आपको एवरेज का आता है, जो कि याद रखना बहुत आसान है, आपको समझ ही में आ भी रहा होगा कि ये निकालते कैसे हैं एग्जैक्टली, तो आप कोई भी प्रॉब्लम यूपीएससी लेवल की आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं रखना। चलो अब कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं इस कंसेप्ट से कितनी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जा रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूपीएससी के PYQ। ये प्रॉब्लम आपके 1998 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है, काफ़ी पुराना PYQ है। क्या बोल रहा है इसने, आउट ऑफ 3 एनुअल एग्जामिनेशंस ईच विथ अ टोटल ऑफ 500 मार्क्स, अ स्टूडेंट सिक्योर्ड एवरेज मार्क्स ऑफ 45% एंड
55% in the first and second annual examination. To have an overall average of 60%, how much marks does the student need to secure in the third annual examination? Total kitne annual examination hai? 1, 2, 3. 3 annual examination. और उसमें जितने प्रतिशत एवरेज मार्क्स सिक्योर होते हैं वो दिखे गए हैं. क्या क्या है? 45% और 55%. थर्ड का आपको मार्क्स नहीं पता है, ठीक. और साथ ही साथ आपको ये भी दिया हुआ है ओवरऑल एवरेज इन तीनों का क्या है, 60% है. यानी कि इन एवरेजेस का एवरेज क्या है, 60% है. जरा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना उसको समझो, क्या कह रहा है. पहले एग्जाम का जो एवरेज मार्क्स है वो है 45%, दूसरे एग्जाम का है 55%, तो तीसरे का निकालना है जबकि आपको पहले दूसरे तीसरे का एवरेज पता है 60% है. सिंपल, इनको सिंपल नंबर्स की तरह ट्रीट करो. ये एवरेज एवरेज से बार बार कंफ्यूज नहीं होना है कि एवरेज ऑफ एवरेज निकालना है तो हम क्या करें, इतना नहीं सोचना है. सिंपल, इसको सिंपल नंबर्स की तरह ट्रीट करो कि कोई दो तीन एग्जाम है, एग्जाम नंबर 1, एग्जाम नंबर 2, एग्जाम नंबर 3, उसका परसेंटेज आपको दिया हुआ है 45%, 55% और तीसरा निकालना है जबकि उनका कंबाइंड एवरेज कितना दिया हुआ है, 60%. कैसे निकालोगे? एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर. ये फॉर्मूला पता है, बस इसी में उठा के वैल्यू रख दो. कितना सम आएगा? 1 + 2 + 3, तीनों एग्जाम का मार्क्स डिवाइड बाय कितना से डिवाइड करूं, कितने से डिवाइड करूं, 3 से करूं कि 2 से करूं? 3 से डिवाइड करूंगी. क्यों 3 से डिवाइड कर रही हूं? क्योंकि हमें पता है एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर. 3 एग्जाम है तो ऑब्वियसली 3 से डिवाइड करूंगी. 3 से डिवाइड कर दिया. एवरेज कितना दिया हुआ है? 60 रख दो. कितना आ गया? 180 इज इक्वल्स टू 1, कितना वैल्यू है, 45. 2 की वैल्यू कितनी है, 55, प्लस ऑफ 3. कितनी आ गई थर्ड एग्जाम में परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन की वैल्यू? 180 माइनस ऑफ 100, यानी कि 80% आ गई थर्ड एग्जाम में ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स की वैल्यू. ये वैल्यू कितनी हो गई? 80%. अब आपसे ये परसेंटेज नहीं पूछा था पेपर में. पेपर में क्या पूछा गया है? पेपर में कह रहा है आप निकालिए, हाउ मैनी मार्क्स डज द स्टूडेंट नीड टू सिक्योर इन थर्ड एनुअल एग्जामिनेशन. अब आपसे कह रहा है तीसरे एग्जाम में उसको कितने मार्क्स मिले, उसको कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं, कैसे निकालोगे. उसके लिए शुरुआत में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है. क्या है? आउट ऑफ द 3 एनुअल एग्जामिनेशन ईच विथ अ टोटल ऑफ 500 मार्क्स, यानी कि एग्जाम नंबर 1, एग्जाम नंबर 2 और एग्जाम नंबर 3, तीनों का अलग अलग टोटल, ये भी 500 मार्क्स का है, ये भी 500 मार्क्स का है और ये भी 500 मार्क्स का है, ठीक है. तीनों एग्जाम अलग अलग 500 मार्क्स के, ईच विथ टोटल ऑफ लिखा है 500, यानी कि हर एक एग्जाम 500 मार्क्स का है. तो यानी कि अगर मैं थर्ड एग्जाम के लिए बात करूं तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500. तो ये बताओ अगर 100% की वैल्यू 500 हो गई तो 80% की वैल्यू कैसे निकालेंगे. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो. कितना आ जाएगा? 80 इंटू 500 डिवाइड बाय 100. कितना आ गया? 400. राइट आंसर इज बी. आई विश आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2. सिमिलर फैशन ये जो प्रॉब्लम नंबर 2 करा रही हूँ, इस तरीके का सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बढ़ा के आई थिंक 9 लोगों का वेट की बात करेगा, और वेट या एज किसी एक चीज़ की बात होगी. अब हम उस प्रॉब्लम को देखेंगे भी. 2017 के पेपर में प्रॉब्लम इस तरीके की पूछी है. कंसेप्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बदल दी है. यहाँ 3 क्वांटिटी ली है मैंने, जिससे समझने में आसानी हो, वहाँ 9 दे दी है उठा के, बस और कुछ अलग नहीं है. चलो अब आते हैं जरा इस प्रॉब्लम पे. द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg. तीन लोग हैं, कोई ए बी और सी, इनका एवरेज वेट कितना हो जाता है, दिया हुआ है मुझे 45 kg.
स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। ये बताओ अगर ए बी सी का एवरेज वेट 45 kg है तो क्या मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊँ, एवरेज इज इक्वल्स टू इन तीनों के वेट का सम ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3। एवरेज कितना दिया हुआ है 45, यही सब्सटीट्यूट कर दो। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 × 3 कितना आ गया 135 आ गया ए बी सी की वैल्यू। यानी कि ए बी और सी तीनों के वेट का सम कितना है 135। अब दिया हुआ है ए और बी के वेट का एवरेज कितना है 40 है। अच्छा ये बताओ अगर मैं ये कह रही हूँ कि ए बी के वेट का एवरेज 40 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं बोलूं कि अगर इनका एवरेज जो है वो मुझे 40 दिया हुआ है तो क्या मैं यहाँ से इनका टोटल वेट का सम निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ए प्लस बी बाई 2। एवरेज कितना है 40, 40 गुणे 2 कितना आया 80, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 80। सिमिलरली बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी प्लस सी का एवरेज कितना दिया हुआ है मुझे 43, यानी कि सम कितना हो जाएगा 43 × 2 यानी कि हो जाएगा 86। अब इन दोनों को उठा के जोड़ दो कितना आ जाएगा, ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करके कितना आएगा 166 आ गया। अच्छा अब ये जरा इक्वेशन को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 166। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, पूछ क्या रहा है मुझसे, मुझसे पूछ रहा है बी का वेट निकालिए और मेरे पास ये दोनों इक्वेशन सामने है तो क्या मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। दोनों इक्वेशन को घटा दो, बी बी ए ए कैंसिल सी सी कैंसिल, कितना आ गया बी इज इक्वल्स टू आ गया आपका 31 kg। व्हाट इज द राइट आंसर डी, क्लियर। आई विश आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, एक ट्रिकी प्रॉब्लम है ये। क्या कह रहा है आपसे, कोई आपका 20 नंबर्स है उनका एवरेज 0 दिया हुआ है। मान लेती हूँ मैं उन नंबर्स को लिख रही हूँ 1, बॉक्सेस में लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसको न्यूमेरिक वैल्यू मत समझ लेना कि इसकी वैल्यू मैं बोल रही हूँ कोई 20 नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 तक, नहीं ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। बॉक्स में इसलिए लिख रही हूँ ताकि ये समझ में आए कि ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 1, 2, 3 बिल्कुल नहीं है। अब ए बी सी डी क्या करने के लिए लिखूंगी, सिंपल मैं इसीलिए 1, 2, 3, 4 बॉक्सेस में लिख दे रही हूँ, अप टू 19, 20 ये कोई 20 नंबर्स, इनकी न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैं लिख दे रही हूँ एनी न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कुछ भी हो सकता है, इन दोनों इन नंबर्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4 आपके 19 तक 20 तक, हो सकता है इनके सबकी वैल्यू 100 हो, सबकी वैल्यू 200 हो, या फिर 100, 200, 300, 400, 500 कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं ये कह रही हूँ कि ये कोई 20 नंबर्स है और इनका एवरेज मुझे क्या दिया हुआ है, एवरेज लिखा है इसका 0। अच्छा ये बताओ अगर इन 20 नंबर्स का एवरेज 0 है तो सम कितना होगा। वीडियो को 10 सेकंड के लिए नहीं 5 सेकंड के लिए पॉज करो और ये बताओ अगर इन 20 नंबर्स का जिनकी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो अगर उनका एवरेज 0 है तो सम कितना होगा, 0 ही तो होगा, कैसे होगा, एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाय टोटल नंबर, कितने नंबर्स हैं टोटल 20 नंबर्स हैं, कितना आ जाएगा सम 20 गुणे एवरेज कितना है 0, सम आ गया 0, 0 हो गया इसका सम। तो आपसे क्या कह रहा है, ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0। अच्छा ये बताओ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 का मतलब क्या है। इससे पहले कि हम इस प्रॉब्लम पे आए एक चीज ये बताओ, अगर मैं कहीं लिख दूं, मान लो मैंने कहीं लिख दिया -2 -3 -4
और कहीं मैंने लिख दिया 2, 3, 4। अब ये बताना है, ये मान लो आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये मान लो आपका सेकेंड ग्रुप है, तो ये बताओ इन दोनों ग्रुप्स में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके जिसमें लिखे हुए नंबर ग्रेटर देन जीरो है, जीरो से बड़े हैं। सेकेंड ग्रुप कैसे पता चला? पॉजिटिव नंबर है, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर प्लॉट करोगे ना तो वो जीरो के इधर साइड आएगा, यानी कि जीरो से बड़ा होगा। ठीक, नेगेटिव नंबर्स यानी कि लेस देन जीरो, तो कहीं भी अगर ग्रेटर देन जीरो लिखता है ना तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, और कहीं भी अगर लेस देन जीरो लिखता है तो उसका मतलब होता है नेगेटिव नंबर। ठीक, ये चीज समझ आ गई। तो क्या बोल रहा है इस प्रॉब्लम में, पूछ क्या रहा है? इस प्रॉब्लम में पूछ रहा है ऑफ देम इन दीस नंबर्स में से, आउट ऑफ दीस 20 नंबर्स एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमम ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जो पॉजिटिव हो? अगर कंडीशन क्या है, अगर मुझे उनका सम जीरो लाना है, बताओ कितने हो सकते हैं? 19, राइट आंसर इज डी। समझ आया? नहीं समझ में आया तो सुनो, मान लो ये जो नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, ये जो मैंने 19 20 नंबर लिखे हुए हैं, मान लो इन शुरू के 19 नंबर्स का, ये शुरू के 19 नंबर ले लो या बाद से ले लो, जहां से लेना चाहो ले लो, मैं सिर्फ शुरू से इसलिए ले रही हूँ ताकि समझ में आपको आए एक्सपीरियंस। मान लेते हैं इन 20 नंबर में से कोई 19 नंबर्स हैं जिनका सम x है। x क्या है यहाँ पे? x कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लो इन सबको जोड़ने पे आपका 100 आंसर आ रहा है। ठीक, मान लो इन सबको जोड़ने पे 100 आ रहा है। इन 19 नंबर्स को मान लो जब आप ऐड करते हो तो आपको मिलता है x, जहाँ पे x क्या है? एनी न्यूमेरिक वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, 100, 200, 300, 400, कुछ भी हो सकती है। और मैं ये कह रही हूँ जो 20वां नंबर है, ठीक है, वो अगर हो जाए माइनस एक्स, मतलब क्या हुआ इसका? मान लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 100 है, मान लो जो भी 20 नंबर दिए हुए हैं उनमें से 19 नंबरों का जो है योगफल यानी कि सम मान लो 100 है। ठीक, उनमें से 19 नंबरों का सम 100 है और जो 20वां नंबर है वो माइनस 100 है। अब ये बताओ तो जब इन 19वां नंबर और 20वें नंबर यानी कि टोटल 20 मार्क्स का मैं सम लूंगी तो वो कितना आ जाएगा? 100 माइनस ऑफ 100 यानी 0। सिमिलर यहाँ पे लिखा है, बस x लिख दिया है मैंने। क्या लिखा है? अगर 19 नंबरों का सम x है और 20वां नंबर में मान लो माइनस x है तो सम ऑफ 20 नंबर्स क्या हो जाएगा? 0। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अब दिमाग में ये थॉट जरूर आ रहा होगा, यार 19 नंबर क्यों ले लिए? 19 नंबरों से ही ऐसा क्या मतलब था कि 19 नंबर का ही सम मैं x ले रही हूँ? क्योंकि मुझसे पूछ रहा है एट मोस्ट मैक्सिमम, मुझसे पूछ रहा है ये जो 20 नंबरों की मुझे सीरीज दी हुई है जिनकी न्यूमेरिक वैल्यू का मुझे कुछ नहीं पता कि कौन सा एक है, कौन सा दो है, कौन सा पांच है, कौन सा 1000 है, कौन सा 10000 है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे बस ये कह रहा है कि चलो इन ये 20 नंबर तुम्हें दे दिए गए, अब ये बताओ अगर इनका सम जीरो आना है, एवरेज जीरो मतलब सम जीरो, अगर इनका सम जीरो आना है तो एट मोस्ट यानी कि मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं पॉजिटिव? सीधे सी बात है, 19 नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा है। बचा हुआ एक नंबर ऐसा बड़ा सा नंबर हो जाए जो इन 19 नंबरों के सम की नेगेटिव वैल्यू हो जाए, बस काम खत्म। क्लियर? आई विश आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी, थोड़ी सी ट्रिकी है बट इजी है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। ये आपके 1996 के पेपर में पूछ गई प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन देखते हैं। एवरेज ऑफ x1 x2 एंड x3 इज 14, यानी कि x1 x2 और x3 कोई तीन नंबर्स हैं जिनका एवरेज कितना है? 14 है। अच्छा ये बताओ अगर x1 x2 x3 तीन नंबर्स हैं जिनका एवरेज 14 है तो क्या यहाँ से सम निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। क्या होगा? एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है? तीन संख्याएं हैं, डिवाइड बाई 3। यहाँ से सम कितना आ गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना आ गया? 42। ठीक, अगली लाइन क्या कह रही है? ट्वाइस द सम ऑफ x2 एंड x3 इज 30, यानी कि ट्वाइस ऑफ x2
प्लस एक्स थ्री इज 30। इसका मतलब यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी एक्स टू प्लस एक्स थ्री बराबर कितना हो जाएगा 15। बस एक्स वन की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत आसान प्रॉब्लम है, सिंपल वैल्यू उठा के रख दो। एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है 15, 15 प्लस एक्स वन इज इक्वल टू 42, दोनों को घटा लो कितना आ गया एक्स वन 27। राइट आंसर इज बी। क्लियर? आई विश आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। यही वो प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बोला था। क्या कहा था मैंने? मैंने कहा था कि सिमिलर प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म हम करेंगे आगे जा करके, जो होगी आपकी 2017 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम। आप इसको कर सकते हैं आसानी से, इसका सोल्यूशन देखते हैं, मैं बताती हूँ। सपोज एक चीज बता दूं, जहां पर भी ना, मैं आपको प्रैक्ट नोटेशन पहले बता देती हूँ जो मैं हमेशा यूज करूंगी। जहां पे भी ऐसे 5 लोग, 6 लोग या 10 लोग की बात होगी ना, तो मैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड यूज करने से बेटर यूज करना नोटेशन यूज करती हूँ। मैं बॉक्स में ऐसे किसी नंबर को रख दूंगी 1, 2, 3, 4। इसका मतलब होगा ना, ये पहला आदमी है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। बस बॉक्स बना देती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, बस ये एक्स वाई जेड की जगह ऐसे यूज कर ले रही हूँ मैं। ठीक, क्या कह रहा है? सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 kg। मान लो कोई 9 लोग हैं, सिंपल ऐसे बॉक्स बना के लिख रही हूँ, ये है पहले, दूसरे, ऐसे ही आप पूरा लिख लीजिए 5, 6, 7, 8, 9। और मुझसे ये कह रहा है इनका एवरेज वेट कितना है 50 किलो है। ठीक, ये अच्छा ये बताओ, अगर इनका एवरेज 50 है, ठीक, तो ये बताओ सम कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं एवरेज? सिंपली एवरेज इज इक्वल्स टू, आपको पता है, सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर क्या है यहाँ पे 9, एवरेज कितना है 50, कितना हो जाएगा 5, 9, 450 हो गया इन 9 लोगों के वेट का सम। आगे क्या दिया हुआ है? द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5 इज 45 kg। ये जो 5 लोग हैं इनका एवरेज कितना है, इनके वेट का एवरेज है 45 kg। अच्छा ये बताओ, अगर इन 5 लोगों के वेट का एवरेज 45 kg है, तो इन 5ों के वेट का सम कितना हो जाएगा? यहां से एक फॉर्मूला और बना लो, एवरेज इज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल नंबर होता है, यहां से ये फॉर्मूला लिख लो, सम इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू टोटल नंबर। ठीक, अब आसानी हो जाएगी। टोटल नंबर कितना है यहाँ पे 5 लोग है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इंटू एवरेज कितना है 45। इसी फॉर्मूले में सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, कितना आ जाएगा 225। ठीक, अब क्या बोल रहा है? वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ लास्ट 5 इज 55। ये जो आखिरी के 5 लोग हैं ना, 5, 6, 7, 8, 9, इनका जो एवरेज वेट है वो कितना दिया हुआ है 55। अच्छा ये बताओ, अगर इनका एवरेज 55 है तो सम कितना हो जाएगा? इसी वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 55 इंटू 5 कितना हो गया 275। ठीक है, अच्छा अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको निकालना है 5वें पर्सन का वेट कितना होगा। निकाल लोगे? आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालें? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये फिफ्थ पर्सन तक के लोगों का वेट कितना दिया हुआ है 225। थोड़ा सा स्पेस की कमी हो रही है, लेट मी इरेज इट। ओके, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। तो 5 पर्सन के वेट का सम कितना है 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है 225, और लास्ट का कितना है 5, 6, 7, 8, 9।
ये है आपका 275, दोनों को ऐड कर लो कितना आ जाएगा 500। अच्छा ये बताओ इसमें पांच दो बार आएगा कि नहीं आएगा, पांच दो बार आएगा। और बाकी एक बात बताओ, ये सबको जब मैं ऐड करूंगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका सम कितना है 450। यहाँ से हमने निकाला था, इसको यहाँ उठा के रख दो, तो फिफ्थ पर्सन का वेट कितना हो जाएगा, फिफ्थ प्लस 450 इज इक्वल्स टू 500। यहाँ से फिफ्थ पर्सन का वेट आ जाएगा 50 किलो। राइट आंसर इज सी। बहुत आसान प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं किया। क्लियर? आई विश आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अब एक काम करना, प्रॉब्लम नंबर 6 को लेना एज योर होमवर्क प्रॉब्लम। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और गाइज, मैं जो भी आपकी सीसैट की क्लासेस ले रही हूँ उनका पीडीएफ आप इस लिंक पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। ये 2019 के पेपर में पूछी हुई प्रॉब्लम है और बहुत ईजी है, इसको सॉल्व कीजिएगा। चलो अब आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।